मॉड्यूल ट्वेंटी थ्री डिप्रेशन सो वैन वी टॉक अबाउट द डिप्रेशन इन द चिल्ड्रन वी नीड टू बी अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यूजअली चिल्ड्रन एक्जिबिट डिप्रेशन इन अ फॉर्म ऑफ इरेटेबिलिटी एंगर और अनहैपीनेस और सैडनेस बच्चों के अंदर डिप्रेशन आपको उस तरह एक्जिबिट होता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे कि एडल्ट में होता है मोस्टली चाइल्डहुड के अंदर डिप्रेशन जो है वो परसिस्टेंट सैडनेस की फॉर्म में अपीयर होता है और द चाइल्ड इज रिपीटिडली कंप्लेन दैट ही और शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल वाइल प्लेइंग एनी थिंग और ही और शी इज नॉट फीलिंग प्लेयर इन डेली एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ जो उसकी स्कूल परफॉर्मेंस है दैट गेट डिक्लाइंड और ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि एक बच्चा जो है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है नो डाउट देयर आर डिफरेंट अदर कॉजस टू फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है उसको कोई रीडिंग प्रॉब्लम हो हो सकता है उसको कोई राइटिंग uh, ईशूज़ हो या उसको मैथमेटिकल एबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो रही हो या वो डिसलैक्सिक हो दे आर सो मैनी अदर रीजनस टू बट मोस्टली जो डिप्रेशन का बच्चा होता है या जिसको डिप्रेशन जिसके अंदर हम कहते हैं कि मैनीफेस्ट हो रहा है उसके साथ एक हॉलमार्क फीचर होता है कि इरिटेबिलिटी, एंगर और सैडनेस इसके साथ साथ उसके लॉस ऑफ प्लेयर जो है वो एग्ज़िबिट होना शुरू हो जाता है जब भी किसी बच्चे के अंदर इस किस्म के फीचर्स आना शुरू हों कि उसके पेरेंट्स ये कंप्लेन करें कि पहले यानी प्रीवियसली दैट चाइल्ड इज नॉट एग्जिबिटिंग एनी प्रॉब्लम इन एक्डीमिया बट सडनली दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग तो जिस वक्त वो इस किस्म की बात करें दैट्स मीन के जो उसकी मूड uh, है दैट इज़ गोइंग टू बी चेंज अब इसमें आम तौर पर जो सिम्टम्स आपको रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स वो कैसे सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो इरीटेबल होता है कोई छोटी सी भी बात हो उसको कोई छोटी सी भी बात कही जाए तो वो आगे से चीख के बोलता है ठीक है अब दिस थिंग इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग टू तो द पेरेंट्स टू तो। टू द पीयर्स टू क्यों क्योंकि ये उसका प्रीवियस बिहेवियर नहीं होता बल्कि ये बिहेवियर जो है ये उसका चेंज हुआ है दैट्स वाई के पेरेंट्स नोटिसिंग दैट एंड दे आर सेंग के द चाइल्ड इज बिकम मोर इरेटेबल इसी के साथ साथ उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो ज़्यादा एक्जिबिट होती हैं वो बच्चा ज़्यादा प्रोनाउंस करना शुरू करता है या ज़्यादा शेयर करना शुरू करता है इस रेफरेंस में कि वो लाइफ के अंदर प्लेयर सीख नहीं कर पा रहा किसी भी एक्टिविटी से वो बहुत जल्दी जो है Uh, वो बोर हो जाता है और इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें वो प्रीवियसली इंटरेस्ट ले रहा होता है अब उसके लिए वो बोर्डम जो है वो ब्रिंग कर रही होती हैं तो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इसके साथ साथ बच्चे के अंदर फटीक का फनोमिना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और वो छोटी सी भी चीज़ से या छोटे से भी काम से बहुत ज़्यादा थक जाता है वो उतनी एक्टिविटी नहीं करता जितनी वो टाइडनेस शो करता है यानी अगर वो प्ले कर रहा है या वो बाहर जा रन कर रहा है तो वो आकर फ़ौरी तौर पे ये कंप्लेन करेगा कि आई एम फीलिंग फटीकड और उस फटीक की वजह से सर्टेन टाइम बच्चों के अंदर हाइपरसोमिया भी डेवलप हो जाता है यानी उनका जो स्लीप पैटर्न है वो इनक्रीज़ हो जाता है तो सिर्फ जो डिप्रेशन है उसमें इंसोमिया ही नहीं होता बल्कि सर्टेन टाइम क्या होता है उनका स्लीप uh, पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी स्लीप का ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकता है इनक्रीज भी हो सकता है और सर्टेन टाइम बच्चों को नींद नहीं आती एंड दे वर लाइक सारी सारी रात जागते हैं और दे वर कंप्लेनिंग कि हमें नींद नहीं आ रही मुझसे सोया नहीं जा रहा लेकिन इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को आपने रूल आउट करना है कि कहीं ये तो नहीं है कि वो सारी रात किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है जिसकी वजह से वो सो नहीं सका ठीक है जिस तरह आजकल गैजेट्स बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अगर तो वो सारी रात गैजेट यूज़ करता रहा और वो ये कंप्लेन कर रहा है कि मैं सारी रात सोया नहीं या मुझे नींद नहीं आई तो, तो दैट इज़ नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन इंसोमिया का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो बच्चा है वो बेड के ऊपर गया है वो सोने के लिए लेटा है बट ही और शी इज़ अनएबल टू स्लीप यहाँ तक कि सुबह हो गई या बहुत सारे घंटे गुजर गए और जब वो सुबह उठा तो वो टायर्ड था और उसने हमें आपको फ्रेश फ़ील नहीं किया इसके साथ साथ ये बच्चे जो हैं वो वेट लॉस इनके अंदर आना शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि इनकी एपेटाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है तो अब ये जो एपेटाइट रिड्यूस होना है इसके अंदर भी आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है पहली चीज़ ये कि अक्सर एडोलसेंस टाइम पीरियड के अंदर जो बच्चियाँ होती हैं वो अपना वेट रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं या बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर बॉडी लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं या अपना फूड कंट्रोल करते हैं इफ़ दे आर फीलिंग दम सेल्फ ओबीस एक चीज़ तो ये कि वो इंटेंशनली ना कर रहे हो दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि कहीं उनके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा की कोई सिम्टम ना आ रही हो जो कि ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है अगर उनका वेट लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि दे आर लाइक नॉट फीलिंग लाइक टू ईट एनी और उसकी वजह से उनके डिप्रेसिव रिमिनेशन जो हैं वो उनके जहन के अंदर चल रहे हैं तो दैन यू कैन से कि ये जो फीचर uh, है वो डिप्रेशन का uh, जो है वो स्टार्ट uh, हो रहा है इसी तरह बच्चियों के अंदर डिप्रेशन uh, का एक फीचर ए मनोरिया के फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट uh, होता है यानी जो उनके पीरियड्स जो हैं है, या जो उनका मैंसरल साइकल जो है वो डिस्टर्ब uh, होना शुरू हो जाता है तो देट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दैट दे आर हैविंग समिप्रेशन बट यहाँ पे अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यू नीड टू बी मेक श्योर के वो बच्ची जो है उसका गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन uh, हो चुका है और किसी भी किस्म के जो हैं उसको गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है देन वी कैन सी दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्रेशन